कैसे ऐसे को लिखा जाए यूपीएससी आपको चॉइस नहीं देती है प्रश्न देती है तो प्रश्न देती है और आपसे अपेक्षा करती है कि आप जवाब दे दें और बात खत्म से स्टार्ट होती है ऐसे वहां पे मैंने बताया कि टाइटल एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है नॉट ऑल लॉस्ट ये एक टाइटल है ऐसे का जिसको आपको लिखना है यूपीएससी के एग्जामिनेशन हॉल में आप स्ट्रक्चरिंग की प्रैक्टिस करें तो ऐसे लिखने होते हैं आपको एग्जाम में बहुत सारे टूल हैं जिसके सहारे आप अपने फ्रेमवर्किंग कर लो ऐसे की कुछ टूल्स के मैं नाम यहां पर लूंगा आप तो उस टूल का यूज कर सकते हैं जैसे हाउ टू राइट एन एस दिस इज ए क्वेश्चन कैसे ऐसे को लिखा जाए ऐसे को लिखने का बहुत सिंपल तरीका है आप बचपन से लिखते आ रहे हैं एक बार और लिख दीजिए बट uh, uh, संभवतः जो बचपन वाले ऐसे के टॉपिक थे वो अब नहीं आते हैं द काउ पोस्टमैन एंड माई बेस्ट फ्रेंड ऐसे टॉपिक आप यू पी एस सी में नहीं होते हैं और जो इससे आपने पहले लिखे होंगे वो शायद काम नहीं आते आपको पता है यू पी एस सी समझती है कि ये काम बहुत ही डिफ़िकल्ट है यू पी एस सी आपको च्वाइस नहीं देती है जब प्रश्न देती है तो प्रश्न देती है और आपसे अपेक्षा करती है कि आप जवाब दे दें और बात ख़त्म लेकिन यू पी एस चूंकि इस डिफ़िकल्टी को एक्सेप्ट करती है इसलिए पाएंगे कि एक ऐसे के लिए चार चार विकल्प देते हैं आपको यूपीएससी पी एस बेस्ट। इज इट जेनरस बेस्ट आई डोंट इज जेनरस बेस्ट और नॉट बट यूपीएससी इज इज वन इंस्टीट्यूशन गिव्स यू सो मच ऑफ चॉइसेस इट डजंट गिव अदरवाइज तो आप समझ सकते हैं ये काम थोड़ा कठिन है काम थोड़ा जटिल है और इसको मैं इस मंच पे, जो स्टॉक के मंच पे आपको कुछ ऐसे हिंट्स देने वाला हूँ जिसके सहारे आपको इससे लिखने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी और डेफिनेटली उसमें जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे जैसे जैसे आप सपोर्ट लेते जाएंगे वेलवर्ट करा करके अपनी गलतियों को सुधारते जाएंगे ये बेहतर होता जाएगा बट आई वुड ट्राई दैट विथ दिस स्मॉल डिस्कशन दैट वी गोइंग टू हैव नाउ यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू राइट एन एफेक्टिव ऐसे पहली चीज़ जहाँ से स्टार्ट होती है ऐसे वहाँ पर मैंने बताया कि टाइटल एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है टाइटल एक एंकर होता है जिस पर आप अपने पूरे हिस्से को हुक करने वाले हैं और ये संभवतः सबसे बड़ा कैच होता है एंड आई थिंक यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द टाइटल इससे में uh, टाइटल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और टाइटल जैसा मैंने बताया आपको कि वो टाइटल जैसे पोस्टमैन एंड काउ एंड हैप्पी दिवाली हैप्पी होली वो वाले टाइटल नहीं आते हैं लाइक like आपको मैं एग्जांपल दूं तो टाइटल कुछ ऐसे आते हैं नॉट ऑल हु वांडर आर लॉस्ट टाइटल है एस का जिसको आपको लिखना है यूपीएससी के एग्जामिनेशन हॉल में या थिंकिंग इज लाइक ए गेम इट नॉट बिगिन अनलेस डिगिनोजिशन ये टॉपिक यू पी एस सी ने पूछा इसके अलावा मैथमेटिक्स इज म्यूजिक ऑफ रीजन आई मे आई आई थिंक दैट इज इंटरेस्टिंग टॉपिक टू राइट एस एडुकेशन इज वॉट रिमेन्स इट इज इफेक्टिव टाइटल that यू got. एजुकेशन इज what remains आफ्टर वन हैज forgotten what वन हैज learned इन स्कूल ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है इतना ही नहीं पास्ट में देखो तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे ऐसे टॉपिक आए हुए हैं जैसे आ, मैं बताऊं इफ यूथ न्यू इफ एज गुड जब दांत हैं तो चने नहीं हैं जब चने हैं तो दांत नहीं है कुछ ऐसी चीज पाथ टू ग्लोरी लीड बट टू तो द ग्रेव ऐसे ऐसे टॉपिक्स आते हैं एंड आई थिंक यू हैव टू बी यू हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ दिस टॉपिक आई सपोज जो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बता रहा था ऐसे राइटिंग में दैट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इज अबाउट द टाइटल ये एक बहुत बड़ा कैच होता है ट्राई डिस्कसिंग द टाइटल विथ योर फ्रेंड्स बिकॉज जो नेचर ऑफ़ यू का एग्जाम हो गया है एस का पेपर आ गया है उसमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे आने लगे हैं जो टॉपिक अब मैं ऐसे अगर आपको बताऊं कि वो एक मल्टीपल इंटरप्रिटेशन वाले टॉपिक हो गए हैं आई लाइक यू टू डिस्कस द टॉपिक विथ योर फ्रेंड्स सो दैट यू आर एबल टू अप्रिशिएट द द दुंस इन द डायनामिक्स दैट द टॉपिक्स टॉपिकॉट एंड एंड दैट इज समथिंग विच इज वॉट आई वुड बी वेरी किन दैट यू शुड बी हैविंग इसके अलावा मैं चाहूँगा कि आप स्ट्रक्चरिंग की प्रैक्टिस करें करेंगे कोई एक एसिस्ट होता है वो स्ट्रक्चर uh, करता है स्ट्रक्चर करने के बाद अपने ऐसे को लिखता है लिखने के बाद अपने पीयर रिव्यू कराता है फिर उसके बाद एडिटर्स उसको पढ़ते हैं फिर उसके बाद उसका पब्लिकेशन होता है इट गोज थ्रू मल्टीपल स्टेज एंड द प्रॉब्लम विथ यू इज दैट यू हैव टू राइट वन एस एंड दैट्स इट द नेक्स्ट एसे का टाइम आ गया अगला ऐसे लिखना दो ऐसे लिखने होते हैं आपको एग्जाम में तो इन सच कंडीशन वेन यू आर रियली स्ट्रगलिंग टू राइट वन टाइम फाइनल प्रोडक्ट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट यू डू अ प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग स्ट्रक्चरिंग करने के अंदर बहुत सारे डायमेंशन होते हैं बहुत सारे टूल हैं जिसके सहारे आप अपने फ्रेमवर्किंग कर लो इससे की कुछ टूल्स के मैं नाम यहाँ पे लूँगा आप उस टूल्स का यूज़ कर सकते हैं जैसे एक ऑर्गेनिक फ्रेमवर्किंग टूल है ऑर्गेनिकली आप ऐसे के टॉपिक को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एक थॉट फ्रेमवर्क है उसमें मल्टीपल uh, क्वेश्चन के डायमेंशन से आप इसे को स्ट्रक्चर कर सकते हैं एक आपका कंसेंट्रिक सर्किल इमेजिनेशन है वो एक प्रिंसिपल है जिसके द्वारा आप अपने थाट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एक मैं कह सकता हूँ सब्जेक्ट बेस्ड ओरिएंटेशन है उससे आप अपने थॉट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आई आई थिंक देर आर सो मैनी डिफरेंट वेज थ्रू विच यू कैन स्ट्रक्चर यूर एस ए और इस्ट्रक्चर करने में सबसे पहले मैं चाहूँगा टाइटल को लिख करके उसको कौन से फ्रेमवर्क पर ले जाना है वो देख लें उसके बाद मैं चाहूँगा कि उसके अंदर कौन कौन से पैराग्राफ्स लिखेंगे उसके आप हाईलाइट्स लिख लें उन पैराग्राफ्स के बाद मैं चाहूँगा उन पैराग्राफ को कैसे आप ट्रीट करने वाले अनालज़ करने वाले थे उस फ्रेमवर्क के अंदर ही उसको डाल दें जैसे आपको लॉजिकली uh, उसको ट्रीट कर सकते हैं उसको एग्जाम्पल से ट्रीट कर सकते हैं उसको फैक्ट से ट्रीट कर सकते हैं उसको टोनालिटी से ट्रीट कर सकते हैं दीज आर ऑल वेरियस टूल्स ऑफ ट्रीटिंग द फेसट्स ऑफ दोज थेट यू आर टेकिंग इन ए पार्टिकुलर पैराग्राफ इसके अलावा मैं चाहूँगा कि आप उसके साथ साथ वहाँ पर उनको देख लें कि किस ऑर्डरिंग में आप रखने वाले हैं उन पैराग्राफ को आप ये भी देख लें कि किस प्रकार से आप उनके लिंकर्स को बनाएंगे एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ तक तो कैसे जाएंगे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर इन ए पोजिशन टू अप्रीशिएट दिस ऑल वेरियस फैसेट्स ऑफ स्ट्रक्चरिंग इस मन से uh, मेरे ख्याल में आई कैन गिव यू सम इंडिकेशन थ्रू विच यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे मुझे फ्लो चार्टिंग करनी है स्ट्रक्चरिंग करनी है क्योंकि आंसर्स में जो जगह मिलता है कच्चे काम के लिए दैट इज़ वेरी एक्सपेक्ट दैट यू कैन मेक द फुल स्ट्रक्चर ऑफ दैट एस एंड देन बेस्ड ऑन दैट यू कैन राइट अ वेरी इफेक्टिव एस थोड़ी बहुत मैं यहाँ पे आप बात करना चाहूँगा कि ऐसे लिखने के अंदर आप जो क्लासिकल अप्रोच होता है जिसको मैं चाहूंगा फॉलो करें उसमें एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए एक मेन बॉडी होनी चाहिए कई पैराग्राफ हो जाएंगे उसमें और एक कंक्लूजन होना चाहिए तो फॉर नाउ आई कैन पॉसिबली शेयर विथ द समेसड दैट वी मस्ट बी टेकिंग केयर ऑफ वाइल राइटिंग एंड अफेक्टिव इंट्रोडक्शन एक इफेक्टिव इंट्रोडक्शन में आपका अनाउंसमेंट एक कंपोनेंट होता है और अनाउंसमेंट के अंदर आई वुड एक्सपेक्ट दैट यू शुड बी हैविंग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रैपो विद द रीडर जो पढ़ रहा है उसके साथ एक रैपो एस्टैब्लिश करना होता है कि आपने इस टॉपिक को इस टाइटल को कैसे इंटरप्रेट किया है एंड दिस अनाउंसमेंट कैन बी इमीडिएट इट कैन बी डिलेड ऑल्सो इट कैन बी एक्सप्लिसिट ऑल्सो इट कैन बी इम्प्लिसिट ऑल्सो और ए कॉम्बिनेशन ऑफ वन ऑफ दोज इमीडिएट एंड डिलेड एंड ए कॉम्बिनेशन ऑफ वन ऑफ एंड दोस्प्लिसड मिला करके आप अनाउंसमेंट कर देते हैं दूसरा जो इंट्रोडक्शन का जो कंपोनेंट होता है वो होता है जिसे हम Uh, इसको uh, भाषा में ऐसे राइटिंग की भाषा में स्कोपिंग कहते हैं यू शुड लेट द रीडर नो एज टू वॉट टू एक्सपेक्ट इन द से तो स्कोपिंग इसकी uh, करनी होती है इंट्रोडक्शन में तीसरी चीज़ जो मैं चाहता हूँ यहाँ पर आप ध्यान दें वो है टोन uh, पिचिंग uh, मतलब कि इस इससे किस शैली में आने वाली है उस शैली को बता दें उनके टोन को बता दें उनके पिच को बता दें पिच भी बहुत तरह के होते हैं लाइक like, पेसमिस्ट uh, हो सकता है सीरियस हो सकता है सम्बर uh, हो सकता है ऑप्टिमिस्ट हो सकता है या yeah, इंथ्यूजियास्टिक हो सकता है द ऑल वेरियस टोन। यू हैव टू मेक अ डिसीजन एंड विद इन ए पार्टिकुलर रेंज योर एस हैज़ टू बी गोइंग बट देन इंट्रोडक्शन में वो पिच का डिटर्मिनेशन होता है और चौथी चीज़ जो इंट्रोडक्शन में आपको ध्यान रखने वाली होती है वो है अटेंशन ग्रैवर अब ये चारों चीज़ों मैंने बताई आपके इंट्रोडक्शन की वो सब एक साथ नहीं होनी चाहिए कई अलग अलग भी हो सकती हैं तो आई वुड बी वेरी कीन दैट यू आर ट्राइंग टू गिव एन अटेंशन ग्रैबर अटेंशन ग्रैबर के भी कई टूल हो सकते हैं अटेंशन ग्रैबर का एक टूल हो सकता है uh, जिसको आप अनेक कह सकते हैं कोटेशन से कर सकते हैं स्टार्टलिंग फैक्ट से कर सकते हैं क्यूरोसिटी जनरेट करके कर सकते हैं द सो मेनी टूल्स थ्रू विच यू कैन पॉसिबली ग्रैप द अटेंशन ऑफ द रीडर अब मेन बॉडी में अगर आ जाते हैं तो एक पैराग्राफ में जो तीन मोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए एक तो आपके पैराग्राफ का एक सेंट्रल आइडिया होना चाहिए इसको थेसिस स्टेटमेंट कहते हैं यू शुड हैव ए क्लियरिटी ऑफ थे स्टेटमेंट एक सेंट्रल आइडिया देना चाहिए आपको सेंट्रल आइडिया के बाद जो नेक्स्ट चीज मैं चाहता हूँ उसमें वो है एनालिसिस ये इस राइटिंग का सबसे बारीक पहलू है इसको जरा ध्यान रखें क्योंकि जब हम हेसिस स्टेटमेंट दे देते हैं तो हमारी एनालिसिस कही कहीं ना कहीं बिघर जाती है यू हैव टू इंश्योर दैट कि आपकी एनालिसिस उस थेसिस स्टेटमेंट की हो ऐसा नहीं कि कहीं इधर उधर आप बह गए हों एंड आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर एनालिंग द थेसिस स्टेटमेंट यू आर नॉट गोइंग अवे फ्रॉम दैट थेसिस स्टेटमेंट और थर्ड चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है वो होती है उसके अंदर लिंकर होना चाहिए लिंकर इज़ बेसिकली ट्रांजिटिंग वन पैराग्राफ टू द नेक्स्ट पैराग्राफ और किसी पैराग्राफ के एंड में आप लिंकर दे सकते हैं या अगले पैराग्राफ के पहले शुरुआत में लिंकर दे सकते हैं या दोनों जगह दे सकते हैं तो यू हैव गॉट ए स्मूथ फ्लो बाय द रीडर और वो बिल्कुल एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जर की नहीं होता है दो चीज़ें यहाँ पर सामने आई एक तो आपने स्कोपिंग के सहारे ये किया है दूसरा आपने यहाँ पर लिंकर के सहारे अपने थाट प्रोसेस को Uh, ऐसा बताया है कि वो इसमें एक स्मूथ रीडिंग हो जाती है तीसरी चीज़ जो आती है वह होती कंक्लूजन कंक्लूजन के अंदर भी आपको कुछ खास पहलू मैं यहाँ बता देता हूँ जिसको आप ध्यान रख सकते हैं एक तो चीज़ आप कंक्लूजन में ध्यान रखें वो है आपकी समरी यू शुड गिव बेसिक ब्रॉड हाईलाइट दैट वन शुड रिमेंबर आफ्टर रीडिंग द एस बिफोर गिविंग द मार्क्स कि हाँ मुझे ये चीज़ें uh, मैंने इस एस ए में पढ़ी हैं यू कैन रिमाइंड द एग्जामर बाई हाईलाइटिंग दैट इसके अलावा मैं चाहूँगा कि उसमें कुछ पोस्ट स्क्रिप्टिंग अगर कुछ सब्सिक्वेंट आइडियाज़ आपके ध्यान में आई हैं तो उनको भी डाल सकते हैं आप तीसरी चीज़ मैं चाहता हूँ कुछ वहाँ पे कुछ उनको ओपन एंड्स पकड़ाने होते हैं वे फॉरवर्ड ऐसे आशावादिता एंड ऑप्टिमिज्म के कुछ पुट देने होते हैं बिकॉज आई डोंट एक्सपेक्ट दैट यू राइटिंग द फाइनलिटी राइटिंग विद फाइनलिटी और राइटिंग द लास्ट लाइन ऑन टॉपिक तो वहाँ पर उनको कुछ वो भी उनको लूज़ एंड्स ओपन एंड्स भी देना होता है ये कुछ इसके मोटे पहलू हैं जो इंट्रोडक्शन मेन बॉडी और कंक्लूजन में आपको ध्यान रखना है इसके अलावा मैं चाहूँगा कुछ और ऐसे कॉमन सजेशंस जो आप ध्यान रखें इसे लिखने के दौरान एक तो मैं चाहूँगा कि आप ऐसा कोशिश करें कि आप ऐसे को जो लिख करके आप उन्हें देते हैं उसमें कुछ एडिटिंग भी कर लें एडिटिंग टूल्स बहुत सारे होते हैं उसके बारे में कभी और डिटेल में चर्चा हो सकती है लेकिन मैं चाहूँगा कि ऐसे लिखने के क्रम में थोड़ा सा टाइम आप बचा करके ज़रूर रख लें जिसके सहारे आप एडिट को और इफ़ेक्टिवली डिलीवर कर सकते हो दूसरा मैं चाहता हूँ कि अपने ऐसे में थोड़ी फैक्चुअल एंड आई वुड से कंसेप्चुअल पेपरिंग की जगह रखें शुड बी सम फैक्चुअल पेपरिंग शुड बी सम कंसेप्चुअल पेपरिंग हो तो आपके ऐसे में कुछ विशेषता आ जाती है कुछ खुशबू आ जाती है एंड दैट इज़ समथिंग विच आई वुड लाइक टू रिकमेंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपने हिस्से में फ्लो पर ज़्यादा ध्यान दें फ्लो दो तरह से हो सकती है यहाँ पर बता सकता हूँ एक फ्लो आपका हो सकता है इंट्रा पैराग्राफ फ्लो विद इन द पैराग्राफ फ्लो और उसके लिए जो मैंने बताया कि एनालिसिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव टूल थीसिस स्टेटमेंट के साथ जब आप एनालिसिस लेते हैं तो उस अनालिसिस में लॉजिक एग्जांपल फैक्ट एंड टोन को इस प्रकार से लें कि इंट्रा पैराग्राफ फ्लो अच्छा रहे और दूसरा इंटर पैराग्राफ फ्लो जो मैं बता रहा था इंटर पैराग्राफ फ्लो में आप कुछ ऐसे तत्व तो ले लें जिसके द्वारा इंटर पैराग्राफ फ्लो बेटर हो जाए लिंकर्स को इफेक्टिवली यूज़ करें लिंकर्स कैन बी लाइक स्टॉक फ्रेजिंग लिंकर हो सकते हैं साइन पोस्टिंग लिंकर हो सकते हैं लॉजिकल ट्रांजिशन लिंकर्स हो सकते हैं बहुत तरह के लिंकर्स होते हैं जिसके सहारे आप अपने हिस्से में एक फ्लो दे सकते हैं इसके अलावा पिच एंड टोन को भी आप ध्यान रखें पिच एंड टोन से आपके हिस्से का एक uh, फ्रीक्वेंसी सेट हो जाता है जो लिसनर के लिए बहुत इफेक्टिव रहता है और इसके अलावा मैं चाहूँगा कि आप आ, प्रैक्टिस खूब करें क्योंकि नॉर्मली मैंने देखा है लोगों के इससे बेहतर उनकी प्रैक्टिस करने से होते हैं तो मोर एंड मोर प्रैक्टिस दैट यू हैव डन बेटर एंड बेटर ऐसे यू एंड अप राइटिंग और कोशिश रहे कि आप अपने हिस्से को आ, किसी ऐसे व्यक्ति से इवेलुएट कराएं जो उस विषय पर पारंगत हो विषय से मेरा अभिप्राय है टॉपिक नहीं बल्कि इससे राइटिंग में पारंगत हो उनको जानकारी हो कैसे और छोटी बारीकियों को आपको बता पाए क्योंकि ऐसे हम सब लिख लेते हैं लेकिन मार्क्स का रेंज बहुत ज़्यादा होता है अगर इन बारीकियों को आप समझ लिया है प्रैक्टिस कर लिया है और आपकी कमियों को किसी ने पहचान करके उनको करेक्ट करा दिया है यू वो डेफिनेटली डेफिनेटली राइट एस ए विल नॉट ओनली इम्प्रेस द रीडर बट ऑल्सो इम्प्रेस यू द मार्क्स दैट यू गेट Sure, आई एम श्योर इसमें बहुत सारी चीज़ें और कही जा सकती हैं आपके दिमाग में भी कुछ और चीज़ें आती हैं इससे राइटिंग के बारे में आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको क्या समस्याएँ आती हैं और कभी भी आप इससे लिखने से डरे नहीं या फिर इससे लिखने के बारे में आश्वस्त नहीं रहें कि हम इससे तो लिख ही लेंगे क्योंकि हमने ज़िंदगी में बहुत ऐसे लिखे हैं अभी मैंने जैसे टॉपिक बताया वो सारे टॉपिक बहुत ही अलग टॉपिक होते हैं उनके लिए अलग डिमांड होती है एंड आई एम श्योर विथ प्रैक्टिस यू कैन डेफिनेटली डिलीवर और जो एक डिफ्रेंशिएटर आता है आपके मार्क्स में फाइनल सिलेक्शन के समय वो इससे ला सकता है एंड खूब प्रैक्टिस करें अच्छा इससे लिखें एंड माय बेस्ट विशेष आर ऑलवेज विथ यू है मैं हूं डॉक्टर खान फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ के मेरे बारे में जानने के बाद और मेरी कहानी सुनने के बाद जोशॉक ने मुझे अप्रोच किया और उसके बैकड्रॉप में आज एक मैं बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूँ आपके लिए जो स्टॉक ये मानते हैं कि उनके परिवार में बहुत सारे प्रतिभावान व्यक्ति हैं बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं और उनके पास देश में कुछ करने की बहुत बड़ी इच्छा शक्ति है बट किसी वजह से फाइनेंशियल कारणों से या कोई और ऐसी दिक्कत की वजह से जिसकी वजह से वो वो उस गुणवत्ता के ट्रेनिंग या सपोर्ट को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो कि उन्हें उन सफलता के मुकाम तक ले जाएगी जहाँ पर वो देश की सेवा कर सकें मैं मानता हूँ कि देश के हर युवा में एक प्रतिभा है जोश के माध्यम से आज मैं ये एक बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल इशू की वजह से अगर कोई स्टूडेंट अपनी प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर पा रहा है तो वो दिक्कत आज के बाद नहीं रहेगी आज आपको मैं जोश के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि एक मैं बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देना चाहता हूँ और ये इंश्योर करूँगा कि अगर देश में कोई टैलेंटेड व्यक्ति है जो कि पढ़ना चाहता है कोर्स करना चाहता है और सिविल सेवा में जाना चाहता है उसको फाइनेंशियल इशू की वजह से रुकना नहीं पड़ेगा और ये एक ऐसा मुकाम है एक ऐसा अवसर है देश का जब हम देश में गुजर रहे हैं अमृत काल से वी कैन ऑलवेज़ कंट्रीब्यूट टू दिस ब्यूटिफुल इंडिया थ्रू दिस सर्विसेज इसके बारे में जो स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल्स चाहिए वो नीचे दिए गए लिंक में अवेलेबल हैं एंड हम साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं